आप हम चाहेंगे कि आप बताएं कि घर में कैसे हैं लोग, आपके पिता, आपकी माता जो आपका बहुत इतना केयर करती हैं। नहीं, वो ये सोच रहे हैं कि अगर कुछ दिन और रह जाता अंदर तो अच्छा होता। ऑब्वियसली कि मैं बाहर आ गया हूँ, बहुत खुश हैं और बहुत दुआएं, बहुत प्रार्थनाएं की हैं। अब शायद मैंने तो ऐसा कुछ अंदर किया नहीं जी। अरे स्टार का ऑडियो नहीं जा रहा है, स्टार लाइव ऑडियो नहीं जा रहा है। मेरी बहनें शायद अब चलते चलते मंदिर जाएंगी और व्रत रखेंगी और रोज़ा रखेंगे और सब, तो आई थिंक ये ज़्यादा उनके लिए है। कोई विशेष प्रॉब्लम, विशेष सेलिब्रेशन कुछ समारोह के लिए कुछ आपने सोचा अपने फ्रेंड्स और नियर डियर वंस के लिए? आप लोग हैं ना यहाँ पे बस। सलमान भाई ये बता दीजिए, जब आए वैसा ही माहौल, वही फैंस, वही तादाद में, हमें तो वापस लग रहा था कि आप वापस शर्ट उतारने वाले हैं। नहीं, मुझे ऐसा लगा कि मैं शायद उतार दूँ इस बार, लेकिन वो जो पिछली बार जो प्रेस ने किया था मेरे साथ के, वो देखो इसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, इसने आके वापस से शर्ट उतारते। मैं इसलिए ये सब करता हूँ ताकि जब मैं वापस आऊँ किसी जगह से तो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये आदमी गिल्टी है। जब मैंने कोई चीज़ नहीं की तो अगर मुझे कोई जेल में डाल रहे हैं तो मैं अपना सर ऊंचा रख के जाऊँ अंदर, और जब वापस आऊँ तो मेरा सर शर्मिंदगी से झुका नहीं। जैसे जाता हूँ वैसे आता हूँ, फिर मुझसे सवाल पूछे जाते हैं कि कैसा लगा आपको जेल में। मैं ये आपसे कहता हूँ कि फिर आप 6 दिन रह गए अलग ही सिस्टम है। एंड आप अगर खुद अंदर हो तो आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जब आप सोचते हैं कि आपके घर वाले, आपके छाने वाले बाहर कैसे हों और वो आप के बारे में क्या सोचते हों कि आप अंदर कैसे हैं, तो फिर वो प्रॉब्लम होती है। मेरा अगला सवाल सलमान भाई वही था कि बीते 6 दिन में एक ऐसा दिन गया जिस दिन शायद आपको सबसे ज़्यादा याद आई होगी अपनी बहनों की, बाहर होते राखी का जश्न मनाया जाता, उस दिन के बारे में बताइए सलमान भाई, जब आप अर्पिता और अलविदा अंदर आई थी राखी बांधने। बस बहुत अच्छा लगा, आंखों में आंसू आ गए और देने के लिए कुछ था नहीं, तो एक बहुत ही फिल्मी डायलॉग मारा मैंने वहाँ पर कि मेरे पास देने के लिए कुछ है नहीं, सिर्फ आशीर्वाद थे। तो दोनों हंसने लगे, तो बोला कि ये तुम पर सूख ही नहीं करता डायलॉग, तो जब बाहर आ जाओगे तो जितना चाहिए सब दे देंगे। वैसे सुनने में तो ये भी आता है कि परिवार वाले जितने टेंशन में रहते हैं उतना ही टेंशन रिलीव करने के लिए आप परिवार वालों को हौसला देते रहते हो। देखिए मैं जैसे सोहेल ने कहा, सर ज़्यादा तो बड़ा चढ़ा के कहा कि मैं शेर हूँ, शेर वेर तो नहीं हूँ लेकिन झेल लेता हूँ और ठीक है जो भी मेरी डेस्टिनी में है। आई डोंट ब्लेम द जजेज, आई डोंट ब्लेम एनीबॉडी, जो मेरी डेस्टिनी में होगा ये ऊपर वाले की का ऑर्डर है जो किसी के ज़रिए पास होता है। और अगर ऊपर वाले की मर्ज़ी ये है कि मैं अंदर रहूँ या बाहर हूँ या ये मुश्किल से गुजरूँ, आप पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं इस जो भी आने वाला है उसके लिए, मेंटली पूरी तरह से प्रिपेयर लग रहे हैं। क्या ऑप्शन है क्या मेरे पास? सलमान आप जितने टफ एक्सटीरियर में हैं, जितनी मेहनत करते हैं, उतने ही दिमागी रूप से भी आप इतने सशक्त हो गए हैं इतने सालों में, उसका क्या मेन कारण समझते हैं आप? 9 साल से चल रहा है जी, तो क्या करें, इवेंचुअली यू विल हैव टू फेस इट। किसी में 1.5 साल है, किसी में 3.5 साल है, किसी में 5.5 साल है, तो अगर आप उसका आंकड़ा लगा लें तो बहुत लंबी सज़ा हो सकती है, बट इंशाल्लाह ये सज़ा नहीं होगी और आई डोंट थिंक ये होनी भी चाहिए और जस्टिस विल टेक हिज ओन कोर्स। टाइम लगता है लेकिन इसमें से मैं निकल जाऊंगा 100%। सलमान और फैंस साथ में हैं, सबको शायद पता भी चल गया होगा कि इन्वॉल्व ही नहीं इसमें तो भावनात्मक रूप से भी, इमोशनल रूप से भी आप लाइक मोर मैच्योर हो गए इन 9 सालों में? मैच्योर से जब मैं पैदा हुआ था तब से था, लेकिन आप लोगों की बात समझ नहीं। सही जाहिर सी बात है सलमान भाई, आपने उस मैच्योरिटी का कोई झलक आपने पेंटिंग निकाली है सुनने में जेल में, आपका अपना शौक आपने बरकरार रखा था वहाँ पर जी, क्योंकि अभी वो बीइंग ह्यूमन स्टार्ट किया है तो मुझे टाइम मिल गया था जेल के अंदर, मतलब क्या करता हूँ तो एक पीस ऑफ पेपर था, पेंसिल वहाँ पर स्केचेस बना रहा था कि अभी ऑप्शन करूँगा उसको और जितना मेरे से हो सकता है गरीबों के लिए
जरूरतमंद के लिए, मैं उनको बेचूंगा और उनके लिए कुछ कुछ ना कुछ कर। कौन कौन सी पेंटिंग निकाली थी सलमान ने? बहुत सारी निकाली है, वो जब दिखाऊंगा तब आपको। अच्छा, ऑप्शन की कीमत अभी से बता दीजिए। बहुत ज़्यादा। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे सलमान भाई, फैंस को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे जो सड़कों पर पागलों जैसे घूमते रहते हैं? बस इतना ही कहना चाहूँगा कि जब कि मोटरसाइकिल पास ना चलाएं, क्योंकि मुझे डर लगता है, और गाड़ियाँ तेज़ ना भगाएं, क्योंकि मुझे डर लगता है कि मैं गाड़ी में हूँ, और मैं देखता हूँ कि इतना रफ चलाते हैं ये उस एक्साइटमेंट के अंदर, और कि उनको चोट नहीं लगे, क्योंकि वो तो सर्वाइव कर जाएंगे शायद, लेकिन जो जो उनके माँ बाप हैं उनको प्रॉब्लम। इट्स वेरी रिस्की, जिस हिसाब से उनके हिस्टीरिया है, और जो सल्लू भाई करके एकदम मोटरसाइकिल तेज चला रहे हैं, ऑपोजिट रास्ते में चला रहे हैं, वो ज़रा कंट्रोल कर। सलमान भाई, ये पूरा जो केस चला, इसमें मीडिया का जो कंट्रीब्यूशन है उसके बारे में क्या कहेंगे आप, खुश हैं उससे या? सलमान, एक चीज़ और पूछना चाहेंगे कि आप जेल से वापस आ गए हैं, हम सभी की निगाहें हैं कि आपका विवाह कब होगा, तो उसके बारे में बताइए। तो नेक्स्ट टाइम कभी इंटरव्यू अभी ले रहे हैं, एक और मौका मिलेगा तो सलमान पता करेगा। किश्तों में आ रहा है, ये किश्तों में आ रहा है, आज थोड़ा आएगा, अगले साल बाद थोड़ा सा आएगा। सलमान, इसका थोड़ा सा जवाब देके जाइए कि विवाह कब कर रहे हैं? हम लोग सभी लोग चाहते हैं कि ऊपर ऊपर वाले की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता जी, तो जब ऊपर वाले की मर्जी होगी तब मतलब अभी ऐसा नहीं लगता कि उनकी मर्जी। थैंक यू सो मच सलमान, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है, और हम आपका इंतजार करेंगे आपके विवाह के लिए। अच्छा सलमान भाई, एक चीज बता दीजिए, आज आप दीवार फांद के क्यों आए? क्योंकि इतने सारे प्रेस के लोग थे, और आपने देखा है आज एक्सीडेंट, और जो जिस हिसाब से ये प्रेस गाड़ी चला रही थी, जो आपके जो है वो कलीग्स हैं, वो मुझे ऐसा लगा कि वो जाएंगे बिल मेरे पे फटेगा। और इट्स नॉट राइट, आई मीन इट्स अगेंस्ट ट्रैफिक रूल्स, और वो स्पीड लिमिट के बहुत बाहर था, और मुझे डर लग रहा था। एक दो एडमिट भी हो गए जी, और एक बेचारा एक वहाँ पे, और फिर क्या होता है कि सलमान खान जा रहा है, प्रेस फॉलो करी, तो वहाँ पर मेरा नाम थोड़ा, और शायद इसी वजह से आप दीवार फांद के, हाँ, कि अपने आप को क्या समझते हैं ये हीरो लोग, जो आम लोगों की जो थिंकिंग है, तो उसी के लिए आई थिंक थोड़ा सा वो ये पापराजी स्टाइल ना हो, जो भी कुछ ना आराम आराम से पूछे, आगे बात कर ही देते हैं आजकल हम लोग। संजय दत्त के लिए कुछ कहना चाहेंगे? हाँ सलमान भाई, जिस मुसीबत में आए थे वो मुसीबत वही आफत संजय दत्त को भी चल रही है, आपके बहुत करीबी दोस्त हैं जी, आप उनके लिए क्या कहेंगे? बस ये कि वो भी निकल आए, और बहुत जल्द निकल आए, और आई लव हिम टू डेथ, एंड आई जस्ट होप दैट ही इज गुड एंड हेल्दी एंड ही इज आउट ऑफ जेल। थैंक यू सलमान भाई, सो मच सलमान, आपके हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, हम आपके विवाह के इंतजार करेंगे। जी क्या बोल रहे हैं आप? मैं बोल रहा हूँ आपके विवाह का इंतजार करेंगे हम। आपकी शादी हो गई? नहीं, तो आपकी शादी हो जाएंगी, आपके बच्चे हो जाएंगे, या आपकी बच्ची की शादी हो जाएगी, उसके बाद में जी मैं आपके सन की बात कर रहा हूँ।